गुलशन राय साहब को आप जानते हैं? गुलशन राय साहब हमारे फिल्म सनत के बड़े फिल्म साजों में शायद उनका नाम आता जी, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। मल्टी स्टारर फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं। अच्छा, क्या बात। जी जी, उनका भी आज बर्थडे है। आज के दिन ही वो पैदा हुए थे 1924 में जी। और उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी बतौर डिस्ट्रीब्यूटर की थी। गुलशन साहब ने बॉलीवुड में पहली फिल्म बनाई थी मूर्ति फिल्म बैनर्स के तले। 1970 में ये फिल्म आई थी जॉनी मेरा नाम। अच्छा। और इस फिल्म में काम किया था देवानंद साहब ने, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ और आईएस जौहर ने। और ये एक्शन और रोमांस वाली फिल्म थी। ये बॉक्स ऑफिस पे जो है सुपरहिट साबित हुई थी जी। और 1973 में एक और फिल्म आई थी देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी को लेकर, जोशीले। जी बिल्कुल। और इसके बाद एक और फिल्म मैं बताऊं आपको, अहम फिल्म में शुमार होती है, चोपड़ा की हिदायत में बनी थी दीवार, जिसमें दो भाइयों की तगड़ार तो सुनी होगी, अमिताभ बच्चन और मेरे पास माँ है ना। हाँ जी जी, अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर, तो टकराव था उसमें काफी। और साथ में निरुपमा रॉय जो थी माँ के किरदार में, काफी मकबूल हुई थी वो जी। और एक और फिल्म के बारे में बताता चलूं, ड्रीम गर्ल थी वो फिल्म। ड्रीम गर्ल जी, कितनी अच्छी फिल्म थी जी। और त्रिशूल शायर की गजल जी जी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्में थी ये फिल्म थी। और त्रिशूल एक फिल्म आई थी गुलशन राय की, जिसमें भी कई स्टार थे, जैसे इसमें थे संजीव कुमार, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी, राखी, पूनम ढिल्लो, सचिन, प्रेम चोपड़ा वगैरह। और ये फिल्म भी हिट्स यानी कि कई सितारों को आसमान से जमीन पर उतार लाए थे जी। और कई सुपरहिट फिल्मों को पेश करने वाले और काफी जो है लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले ये जो हमारे गुलशन साहब थे जी। हमसे जो हमेशा के लिए बिछड़ गए 11 अक्टूबर सन 2004 को। अच्छा, आज के दिन पैदा हुए थे। जी जी जी। तो हम उन्हें ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से खराज अकीदत पेश करते हैं। और कोई ना कोई नगमा तो जरूर शामिल हो जाएगा जी जी। फिलहाल एक नगमा सुनवाते हैं, फरमाइशी नगमा है ना जी, सुनवाइए। और ये नगमा हमारे अंदरून मुल्क के साथी की जानिब से हमें मिला है, लव इन टोक्यो फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में।